कहना चाहेंगे इंग्लैंड वालों की तो बेसबॉल मोए मोए होके रह गई है। बेसबॉल बढ़ गया यार, अच्छा की करना यार की मिनट बाद फिर बेसबॉल। मैं तो तंग आ गया इस बेसबॉल के, जो है औकात ही नहीं है इंडिया के साथ खेलने के। किसी टीम की औकात नहीं है अभी, इंडिया इस कदर बन चुके हैं। इंग्लैंड के ऑफिशियल फादर्स और अनऑफिशियल फादर्स भी ये दोनों बन चुके हैं, कुलदीप यादव और अश्विन। मैं बड़े दिल से कह रहा हूं, रोहित शर्मा इज द फाइनेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जितने भी देखे अगर बात की जाए ना, मुंह पर रख के तमाचा मारा कि भाई हमारे तो यंगस्टर्स आपसे मिलकर रुलाया है ना इंग्लैंड को, और मुझे कहते हैं रेप हो गया एक साथ आज मेरे किसी सहरा में डूब के मर जाते यार। अच्छा इतने बदतमीजी की है यार। और मुझे तो लगता है उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं कि एक बार तुम फाइफर मारना, एक बार मैं मारूंगा। वो आके 3-4 फिफ्टियां लगा गया, सबको छोड़ दे, देवदत्त पार्टिकल को देख रहे वो इस कदर ग्रहिता इन पर कि वो इनको समय कौन सी कप्तानी बेस्ट होगी। कप्तानी तो रोहित शर्मा की यार। अच्छा जैसे उसने देखो कप्तानी की है, मतलब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के फिफ्थ मैच की, और फिफ्थ मैच में इंडिया ने 4-1 से विन कर लिया। क्या कहेंगे सर, जो 5 दिन का मैच, 4 दिन का मैच, टेस्ट को उन्होंने 2.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया। फर्स्ट इनिंग में इंडिया विन हो गया सर, क्या इब्रतनाक शिकस्त दी है। पहले मैच में एक में जो है 434 रन शिकस्त दी थी, अब एक इनिंग और 64 रन से शिकस्त दे दी है भाई। इंग्लैंड वाले उनकी एक बारी का रन भी पूरे नहीं कर सके, उसमें से 64 कम रन है। आप खुद अंदाजा लगाएं यार, अश्विन ने आज कमाल की बॉलिंग की है, 5 विकेट फाइफर वो लगा गया। मतलब इसी मैच में जो 100वें मैच में उसने 9 विकेट लिए हैं। उसके बाद कुलदीप यादव ने 2 ली, बुमराह ने यार बुमराह को मौका नहीं मिला, उसने ओवर में आकर एक ही ओवर में 2 विकेट ले ली यार। मुझे ये बताया जिस तरह आपने बोला है कि अश्विन के सर, अश्विन के वाले से क्या कहेंगे सर, कभी उनके कुलदीप यादव चल जाते वो फाइफर मार देते, कभी अश्विन मार देते, कभी जडेजा मार देते, और अलमबाग के अश्विन के अश्विन 9 विकेटें भी ले गया सर पहली इनिंग में। जब ये दूसरी इनिंग जब स्टार्ट हुई, अब क्या इंग्लैंड को डर था कि आगे बैटिंग आए तो हमें मार देंगे? यार देखें इंडिया में से ना हर एक प्लेयर, हर एक बॉलर परफॉर्म करता है। देखें आपने किसी सीरीज में देखा होगा, जो भी बॉलर खिलाया है चाहे वो नया ही क्यों नहीं है, उसने जो है परफॉर्मेंस दी है। कभी सिराज जो लगाता है, कभी बुमराह जो है 10-10 विकेट ले जाते हैं, कभी अश्विन, कभी कुलदीप, कभी जडेजा। आज देखें तो फिर अश्विन ने जो है 4 विकेट ली पहले, 5 विकेट ली पहली में, 4 विकेट ली, 9 विकेट उसने ले ली यार। बूढ़ा शेर है वो, इस कदर ग्रहिता इन पर कि वो इनको समय, इनको नानी याद दिलवा दिया, ये जिंदगी भर याद रखेंगे सर। किसी टीम से पाला पड़ा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आंदा ये कभी भी नहीं देंगे। इस इनको सबक सिखा दिया इंडिया ने कि भाई रोहित शर्मा ने भी इनको बता दिया, उसने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, उसने अपनी कैप्टेंसी से इनको बता दिया कि भाई दुनिया के नंबर 1 टीम हम बन चुके हैं। अब टीमों को जो है ना संभालना चाहिए, सोचना चाहिए कि इंडिया से मुकाबला आगे आने वाला है तो तैयार हो गया हो। सर मुझे बताएं ये हाल हो गया टेस्ट के अंदर, T20 में क्या हाल होगा सर? वहां पे तो काफी टीमें हैं, वहां पे तो हम भी होंगे, क्या हाल करने जाएगा इंडिया? इतना स्ट्रांग उनकी बॉलिंग, इतनी स्ट्रांग उनकी बैटिंग, क्या हाल करने जा रहे हैं सर T20 में? क्या हाल भाई इंडिया को देखकर तो हमारी टीम को जो आर्मी के हवाले किया गया कि भाई इनके जो पेट बड़े हुए हैं ना थोड़े कम हो जाए, इनकी जो है ट्रेनिंग जो है आर्मी वाले करवाए, वरना इनके जो है औकात ही नहीं है इंडिया के साथ खेलने के। किसी टीम की औकात नहीं है, इंडिया इस कदर बन चुकी है टीम कि क्वार्टर टीम जो है मतलब सोच रही है कि हम मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि जो है वन साइड मैच जो इंडिया जीत जाएगी। अभी तो मतलब देखें इसी सीरीज में जो उन्होंने यंग टैलेंट खिलाया, नए लड़कों को मौका दिया है, T20 वर्ल्ड कप में उनकी जो है पूरे डेढ़ मतलब कह लें कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी, विराट कोहली के और बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े बॉलर्स होंगे, तो मैं समझता हूँ नामुमकिन ही होगा किसी जो है इंडिया टीम को हराना कोई एक मैच भी। तो T20 वर्ल्ड कप भाई आप जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस नजर आ रही है ना, तो 100% यार इंडिया ले जाएगा लास्ट में। अभी किंग नहीं आया, किंग नहीं थे सर, तो क्या अगर किंग आते फिर क्या हाल होता इनका भाई? अभी तो किंग नहीं है, किंग आता तो इन्होंने जो है ना अपने वतन जाने के जो है मतलब ये जहाज से कूद जाते। अच्छा। अगर वो होता ना तो ये शर्म से किसी सहरा में डूब के मर जाते यार। अच्छा। इतने बदतमीजी की है यार, कोई तो ख्याल कर ले तो भाई इंग्लैंड का, ये जो अपने मुल्क में कोई मुंह दिखाने काबिल तो रहते, मुंह दिखाने के नहीं छोड़ा इंडिया ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का फिफ्थ मैच, और फिफ्थ मैच के अंदर आज 4-1 से इंडिया विन कर गया सर। बात करें अश्विन की, आज उन्होंने 5 विकेट ली, ओवरऑल की बात करें 9 विकेट ले चुके हैं, क्या कहेंगे सर आज इंडिया की परफॉर्म के बाद 2 दिन में, 1.5-2 दिन के अंदर टेस्ट को 2.5 दिन के अंदर खत्म कर दी? ये देखिए ये टेस्ट मैच है, हम कहते हैं टेस्ट मैच जो 5 दिन चक चल रहा है, उन्होंने 2.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया यार। ये वह टेस्ट मैच हुए हैं मुझे लगता है दुनिया के जहां पर एक होता ड्रॉ मैच हुआ हो, एक मैच भी ड्रॉ नहीं हुआ, सारे मैचेस ही इंडिया जीत गया, और ऐसी परफॉर्मेंस
बुरा हाल, और इंग्लैंड का जो हाल किया यार, इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना इंग्लैंड वालों को कि यार ये किया गया इन्होंने, इतनी गंदी परफॉर्मेंस। मतलब है कि जी कहाँ पे जो जो कहता है जो रूट हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, ठीक है उनके जो यानी कि और भी जो बड़े बड़े बैट थे, ठीक है सारे फ्लोप हो गया, कहाँ पर इंडिया के बॉलर्स के आ गए। ऐसी ऐसी गुगलियाँ मारी है ना अश्विन ने, कुलदीप ने, जडेजा ने, पूरे ओवर हाल यानी कि पूरी सीरीज के अंदर इतना बुरा हाल किया। अश्विन ने देखो 9 विकेट टोटल ले लिया, 5 विकेट वो फिर ले गया, फिर 5 ओवर, कोई ना कोई तो 5 ओवर निकलता है। ये पिछले मैच में पिछली इनिंग में 4, इस इनिंग में 5, मतलब इतनी ही यानी कि कुलदीप पिछले इनिंग में कुलदीप 5 ओवर मार गया, आज वो 5 ओवर मार गया, ऐसे ही है पिछले इनिंग में कुलदीप 5 ओवर मार गया, वो 5 ओवर मार गया। मतलब है कि ऐसी जलालत और इतना बुरा हाल उतनी इंडिया की बॉलिंग ऊपर से। मतलब है कि ये देखो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया इंडिया ने, इंडिया ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि क्रिकेट आपने खेलनी है, टेस्ट को खेलना तो आप ऐसे खेल लो, ऐसे बॉलर्स की परफॉर्मेंस। आज जिस तरह हमने बात की है बेसबॉल तो मार दिया उन्होंने, बेसबॉल तो नहीं कर सकते नाम से, सीधी सी बात है, क्या बेसबॉल सर, जेसबॉल। अच्छा बेसबॉल, बेसबॉल की बड़ी बड़ी बातें करते थे टेस्ट, उनके जो टेस्ट कोचेज है वो बड़ी पहले बातें कर रहे थे, आज वो नजर नहीं आए। आज तो उनकी कोई भी कमेंट या कोई भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, कोई भी उन्होंने नीचे कोई स्टेटमेंट या कोई भी उन्होंने ट्वीट किया हो किसी बारे में भी, सर दफन शर्मिंदा ही इतने, इतनी शर्मिंदगी उनको हो रही है, क्या वो रिप्लाई करें यार, क्या वो आगे कमेंट करें। बल्कि वो खुद शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी बात की थी, हम इंडिया को जाके बेसबॉल सिखाएंगे, ये बातें इन्होंने की थी ना, अब उनको जेसबॉल आगे से मिल गया, वो जेसबॉल सिखा रहा है उनको और वो सीख के जा रहे हैं। बेन स्टोक के वाले से क्या कहेंगे सर, बेन स्टोक कप्तानी कहां गई, बेन स्टोक की कौन सी कप्तानी, बेन स्टोक की कप्तानी तो रोहित शर्मा की यार। अच्छा, जैसे उसने देखो कप्तानी किया, मतलब है कि इंग्लैंड का तो बुरा हाल किया ही रोहित शर्मा ने, लेकिन जैसे उनकी टीम ने मिलकर रुलाया है ना इंग्लैंड को, और मुझे कहते हैं रेप हो गया। आज मैंने देखे सर, आज जो रोहित शर्मा खुद नहीं थे फील्डिंग में, उनका कोई इश्यू वाला जिसके बाद वो नहीं आए, बैकबोन में पेन निकला जिसके बाद वो नहीं आए, मगर आज बुमराह खड़े थे, बुमराह जो के वाइस कैप्टन थे उन्होंने आगे सारा संभाला, उन्होंने आगे अश्विन का वॉर पे ओवर दिया, अश्विन ने दिखाया जो पहले बैन स्टोक को आउट कर दिया और सॉरी बैन बकेट को आउट कर दिया, फिर उसके बाद लाइन उन्होंने लगा दी। सर आपको क्या लगता था कि आज इंडिया फर्स्ट पहली इनिंग से विन करेगा कि नहीं करेगा, आपके क्या माइंड में चल रहा था? यार सीधी सी बात है कि मुझे तो लग रहा है कल के पता था कि इंडिया ने कल मैच खत्म कर दिया, वो तंग आ गए थे, बोर हो गए थे, ठीक है इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड का जैसे सिचुएशन जा रही थी, इतनी पुअर परफॉर्मेंस जा रही थी, तो चाहते थे कि यार हम लोग इनसे जान छुड़ाए, और उन्होंने अपनी जान छुड़ाई है। ऐसे यार देखो गुगलियां, ठीक है स्पिनर्स, ठीक है ऐसी ऐसी अश्विन की बॉल जा रही है, घूम रही है विकेट के ऊपर, डांस कर रही है, ऐसे कर रही है ऊपर से कुलदीप। सर इतनी 36 फाइवर मार चुके हैं इंडिया टेस्ट के अंदर जो कि अश्विन ने मारे, सर मुझे ये आप बताएं आप अश्विन के बारे से क्या कहें, इतनी एज भी हो गई है फिर भी फाइवर मारते जा रहे हैं। यार देखो जितने इंडिया ने फाइवर मार दिए ना, है ना पूरी दुनिया के जितने भी मिल गए क्रिकेट टीम मिल के ना, उतने फाइवर देख भी नहीं सकती, ऐसी बुरी सिचुएशन इंग्लैंड की कर दी है ना। मतलब एक तरफ इंडिया के फाइवर, एकदम बाकी सारी टीमों के मिला गए फाइवर, फाइफर पे फाइफर, ठीक है। तो ये देखो ना, ये होती है टीम की बॉलिंग, ये होती है टीम की बैटिंग, या शुभमन गिल ने क्या हाल किया, रोहित शर्मा ने क्या हाल किया यार, ऊपर से इंडिया की बॉलिंग, मतलब है कि इंडिया की बॉलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी हुई है। और इंग्लैंड का फिफ्थ मैच, और फिफ्थ मैच में 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया, फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने विन कर लिया, क्या कहेंगे सवाल सर इंडिया के हवाले से, इंडिया तो छा गया हर जगह पे। इंडिया सर वैसे ही छाया हुआ है हर जगह पे, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं सिर्फ, और इंडियन प्लेयर्स का मोराल जो है वो जो वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बाद जो इस टेस्ट से पहला एक हुआ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी, तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने उसके मोराल को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है, और वो अपनी गेम को दिन ब दिन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अच्छा सर बोल बात करेंगे अश्विन की, सर अश्विन तो फाइवर मारते जा रहे हैं, अगर बात पहली बात पहले मैचेस की बात करें, पहले जो 2-3 इनिंग्स की बात करें उस टाइम भी उन्होंने फाइवर मारा था, सर क्या कहेंगे अश्विन के लिए, इतनी उम्र होगी है फिर भी बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग स्पिनर कर रहे हैं, उनके स्पिनर ही आउटस्टैंडिंग है, क्या कहते हैं कुलदीप यादव के वाले से, क्या कहेंगे सर अश्विन के वाले से, क्या कहेंगे बुमराह के वाले से? सर देखें सबसे पहले तो मैं एज के हवाले से बात करता हूँ, अगर आप अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं तो एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी डाइट लें, अपना एक्सरसाइज करें और अपने जो आपकी गेम है उसको आप रखें, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अश्विन बड़ा अच्छा बॉलर है, कुलदीप यादव भी, बुमराह भी, और मुझे तो लगता है उन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं कि एक बार तुम फाइफर मारना, एक बार मैं मारूंगा। तो क्या कहेंगे सर रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से, उनकी बैटिंग के हवाले से, क्या कहेंगे रोहित शर्मा के हवाले से? ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, रोहित शर्मा इज़ द फाइनेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जितने भी कंट्रीज जो लोग खेलते हैं,
क्रिकेट और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जिस तरह से वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, फील्ड में अपनी टीम को लेकर चलते हैं, उनका मोरल बूस्ट करते हैं, वो सब चीज़ें, वही चीज़ जो है वो जब आपका लीडर शेर होता है ना तो वो बेड़ों को भी शेर बनने पर मजबूर कर देता है। जब आपका लीडर गिदड़ होता है जैसे हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान है तो वो कौम भी जो है वो बेड़ बन जाती है। रोहित बहुत अच्छा लीड कर रहा है इंडिया टीम को और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो लीड कर रहा है इंडिया जो है वो और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। ठीक है, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फिफ्थ मैच में, 195 में ऑल आउट हो गई। सर अश्विन के हवाले से क्या कहेंगे? सर अश्विन फाइव पर कुलदीप यादव आ गए, फिर कभी बुमराह आ गए, तो क्या करें सर इंडिया वाले? यार देखें, जिस तरह आपने बात कर दी कि भाई मैं तो एक एक प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा टीम इंडिया भाई, नंबर एक से लेके रोहित शर्मा से लेके नंबर 11 सिराज तक सब लड़कों ने परफॉर्म किया, किसी ने नहीं छोड़ा। बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, कैप्टनसी थी, उन्होंने जहां जिसका दाल लगाना, कहते हैं कि दाल लगाना, जहां जिसका दाल लगा वहां उन्होंने इंग्लैंड को जलीलो रसवा करके रख दिया। जायसवाल पूरी इनिंग में, पूरे सीरीज में 700 प्लस रन, रोहित शर्मा 400 प्लस रन, शमन गिल 2 सेंचुरियां, एक दफा 90 रन कर गया। सरफराज देख लें, अभी बच्चा है वो आके 3-4 फिफ्टियां लगा गया। सबको छोड़ दें, देवदत्त पाडिकल को देख लें, पहली इनिंग 65 रन मुंह पर रख के तमाचा मारा कि भाई हमारे तो यंगस्टर्स आपसे अच्छे हैं, आप तो अभी तो शुक्र करो कि हमारा राहुल नहीं था, शुक्र करो वर्ल्ड क्रिकेट का किंग कोहली नहीं था, ठीक है, इसके बाद सुरेश अय्यर नहीं था, मोहम्मद शमी भी नहीं थे अभी तो, अभी तो सर उनकी 7 लड़के ऐसे थे जो बिल्कुल फ्रेश थे, 4 लड़के जिनमें रोहित, बुमराह, जडेजा और अश्विन, 4 लड़के सिर्फ पुराने थे और उन्होंने नाको चने चबवा दिए। अगर असल टीम होती तो मैं कहता हूँ बेसबॉल तीसरे मैच के बाद वापस निकल गया सर। ढाई दिन के अंदर इंडिया विन कर, ढाई दिन के अंदर सर टेस्ट मैच को, ढाई दिन की क्या कर रहा है इंडिया हिस्ट्री बेस्ट्री? मुझे कोई भी मैच आपने देखा ढाई दिन के अंदर कभी मैच खत्म हो, टेस्ट मैच कभी खत्म हुआ है? यार देखिए, ये यहाँ पर इंडिया थोड़ी सी ज्यादती कर रहा है बाकी टीम्स के साथ, ऐसे तो कुछ टीम इंडिया के साथ खेलने नहीं आएगी और हमें इंडिया की क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। आज भी बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, ढाई दिन पहले मैच खत्म हो गया, अब डायरेक्ट आईपीएल है, इतने अब 15-18 दिन हम क्या करेंगे भाई? यार कम से कम 5 दिन तक मैच लेके जाओ, उसके बाद कोई 10 दिन हम जरा कोई वेट कर लेंगे आपको दोबारा खेलते हुए देखने का। देखिए जिस तरह से हम शमन के फैन बन चुके हैं, जिस तरह हम जसवाल के, रोहित शर्मा के फैन बन चुके हैं, तो यार आज की परफॉर्मेंस पे कहूंगा कि वन वर्ड में अगर हम इसको समा के रख देना तो कहेंगे फैबुलस परफॉर्मेंस। अश्विन के वाले से क्या कहेंगे? अश्विन, कुलदीप यादव, दोनों स्पिनर्स के वाले से क्या? सर इंग्लैंड के ऑफिशियल फादर्स और अनऑफिशियल फादर्स भी ये दोनों बन चुके हैं, कुलदीप यादव और अश्विन। एक ने पहली इनिंग में 5 ले लिए, एक ने सेकंड इनिंग में 5 ले लिए। ओवरऑल मिलजुल के अगर कहते हैं ना कि 11 लड़कों ने घेर के ज्यादती करना तो इंग्लैंड के साथ उन्होंने करके रख दी। इंडिया ने ज्यादती कर दी इंग्लैंड। अच्छा, रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे सर? आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर गए हैं सर 5 मैचेस के अंदर, कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? यार रोहित शर्मा की कप्तानी टेस्ट में नहीं, T20 ODI में पहले हो चुकी थी, टेस्ट में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म चल रहा था लेकिन अब वो क्रिटिसिज्म जो है ना उन्होंने गड्ढा निकाल के दफन करके रख दिया कि उन्हें पता चल गया यार नहीं, अब कोई मौका नहीं है कि हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे रहा है। ठीक है सर, बोल सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फिफ्थ मैच में और फिफ्थ मैच के अंदर आज इंडिया ने बता दिया कि इंडिया इंडिया, इंग्लैंड इंग्लैंड है, 4-1 से इंडिया विन कर गया। सर क्या कहेंगे अश्विन के हवाले से, क्या कहेंगे सर रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से? यार बहुत आउट क्लास कही है। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें ना तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उसकी कप्तानी को जाता है, उसकी मैनेजमेंट को जाता है। देखिए उसने जिस हिसाब से मैनेज किया, पेयर बना के रखे हुए हैं, अगर बात की जाए बैटिंग पेयर की बात की जाए, ओपनिंग पेयर उसने अपने साथ जायसवाल का बनाया, जायसवाल सेंचुरी करता रोहित शर्मा कर जाता है, नीचे से आगे कोई आप उसने नहीं की तो शुभमन गिल ने आगे कर दिया, बाद में पाडिकल ने 50 कर दी, उसके बाद बात की जाए सरफराज खान ने 50 कर दी। देखिए उनका जो भी प्लेयर आ रहा है 50 सेंचुरी करके जा रहा है, इसके पीछे सारी स्पोर्ट जो बूम करने का जो है ना, सारा रोहित शर्मा बूम कर रहा है अपने प्लेयर्स को। अच्छा सर, आज इस तरह अश्विन ने 5 विकेटें ली और 5 किया, 36 5 कर चुके हैं इंडिया अपनी टेस्ट मैचेस के हवाले, टेस्ट मैचेस में क्या कहेंगे सर? 36 पर वो भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया, 36 5 मार चुके हैं बिल्कुल टेस्ट में, बिल्कुल ऐसी है। देखें जब पहली इनिंग हुई है ना तब मुझे लग रहा था 5 कंप्लीट करेगा, इंडिया का पहला बॉलर बन जाएगा अपना 36वां 5 करने वाला, लेकिन वो रहेगी दूसरी इनिंग में आगे, उसने 5 विकेट लेके, उसने 1 विकेट नहीं ली, उसने 5 ले लिया, उसने दूसरी इनिंग में 5 लेके देखे अपना कंप्लीट कर लिया, उसने अपना 36वां वो बन गया इंडिया का बॉलर जिसने 36वां 5 मारा। देखिए ये होता है एक्सपीरियंस प्लेयर, 100वां मैच खेल रहा था, एनर्जी नजर आ रही थी, एक तरफ ये खेल रहा था, एकदम बेस्ट स्ट्रोक खेल रहा था, आप साहब ने आपका फर्क वाजिया कि 100वां मैच कौन खेल रहा था, किसकी एनर्जी सर मुझे बताइए। जिस तरह आपने बात किया, बात करने के जा रहे कि सर बॉलिंग की हवाले से, सॉरी बैंक स्टॉक की बात, बैंक स्टॉक तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रही, कहां गई स्टेटमेंट है बैंक स्टॉक?
बढ़ गई है। कहाँ पे बढ़ गई? देखिए अगर बात की जाए ना, देखिए स्टेटमेंट देने से उस स्टेटमेंट देने के भाई हमारी टीम ऑन बोर्ड ऑन द पेपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कुछ नहीं होता। फिजिकली परफॉर्म करने पे बात होती है। इंडिया स्टेटमेंट कभी आपने देखा इंडिया ने पहले स्टेटमेंट दी हो? इंडिया परफॉर्म करके बताता है, परफॉर्म करने के बाद भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता जैसी इन्होंने दी थी। इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी थी। और ये क्या, इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कैसे और कहते किसे हैं? ओके, बहुत शुक्रिया।